साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने बीते 4 दिसंबर को बिजनेसमैन यानी कि अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सुहेल कथूरिया से शादी रचा ली है और इन दोनों इनकी शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां सभी इन दोनों की जोड़ी को अपना खूब प्यार दे रहे हैं और इन दोनों को शादी की ढेरों बधाई देने के साथ साथ कई तरह के एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुहेल कथूरिया ने अपनी पत्नी हंसिका मोटवानी को क्या गिफ्ट किया है और गिफ्ट की कीमत क्या है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुहेल कथूरिया ने अपनी पत्नी हंसिका को कितना एक्सपेंसिव तोहफा दिया है। चलिए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो के जरिए, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों का मशहूर टीवी शो शकला का बुम बुम में करुणा का किरदार निभाने वाली मशहूर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी पिछले कई दिनों से अपनी होने वाली शादी की वजह से ग्लैमर की दुनिया में सुर्खियों में छाई हुई हैं और फाइनली एक्ट्रेस ने सुहेल कथूरिया के गले में जयमाला डालकर उन्हें ऑफिशियली तौर पर अपनी जिंदगी का साथी बना लिया है। जी हाँ, 4 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इनसे शादी रचा ली। बता दें कि हंसिका मोटवानी शादी के लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आई है, वहीं इनके हस्बैंड भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहे। वहीं दोनों की जोड़ी दुनिया की बेस्ट जोड़ी लग रही है और इन दिनों इनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जहां हर कोई इन दोनों की शादी की तस्वीरों को देखकर खुद तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि सुहेल ने अपनी पत्नी हंसिका मोटवानी को हीरो का हार दिया है, जिसकी कीमत 5 लाख बताई जाती है। इसी के साथ बता दें कि इन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर रेंज रोवर कार गिफ्ट की है, जिसकी कीमत 80 करोड़ बताई जा रही है और ये कार दिखने में बेहद ही सुंदर है और हंसिका अपने पति द्वारा इस गिफ्ट को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और इन्होंने अपने हस्बैंड को तहे दिल से शुक्रिया भी कहा है। इस तरह से सुहेल ने अपने पत्नी को शादी पर खास तोहफा देकर उन्हें और भी ज्यादा खुश कर दिया है। वेल दोस्तों, सुहेल कथूरिया ने जो हंसिका मोटवानी को गिफ्ट दिया है, वो आपको कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।